सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गश खाकर गिरने से व्यक्ति की मौत, 25वें ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या, ईडी ने परमवीर से की 5 घंटे पूछताछ। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई कामठी थाने के तहत जयस्तंभ चौक पर गश खाकर गिरने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भरत श्याम लाल मधुमठ के बताए जा रहे हैं। गुरुवार की शाम मधुमठ के जयस्तंभ चौक पर चक्कर आने से गिर पड़े उन्हें उपचार के लिए कामठी के उपजिला अस्पताल में भर्ती करने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। नई कामठी पुलिस ने सूचना मिलने पर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अगली खबर, मुंबई में रविवार को ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या 25 हो गई है। यह सभी मरीज कोविड पॉजिटिव मिले हैं और इनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सभी संदिग्धों मरीजों को सेवन हिल्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महानगर पालिका की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने बताया कि 4 दिसंबर तक हाई रिस्क देश में कुल 4,227 लोग आए हैं। इसमें से विदेश से आने वाले 19 और इनके संपर्क में आने वाले 6 लोग कोविड संक्रमित मिले हैं। सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल 90% से अधिक मरीजों को बीमारी के कोई लक्षण नहीं है और जिनको सौम्य लक्षण है उनका उपचार चालू है। अगली खबर, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली के मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का बयान दर्ज किया है। ईडी ने उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। वह न्यायिक हिरासत में अर्थर रोड जेल में बंद है। ईडी ने परमवीर सिंह से 5 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली मामले के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। 3 बार परमवीर सिंह को समन भेजा गया था लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। उन्हें फिर से 4th बार समन भेजा गया। 1988 बैच के IPS अधिकारी परमवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।